क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, कह रहा है दो परिमेय संख्याओं का योगफल -5 है, यदि इनमें से एक संख्या -16/7 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए दो परिमेय संख्याओं का योगफल -5 बता रहा है, क्या करेंगे, कोई भी दो परिमेय संख्या मान लेंगे कि एक कोई परिमेय संख्या एक्स है और एक कोई परिमेय संख्या है हमारी वाई, हमें पता नहीं है कि वो परिमेय संख्याएं कौन सी हैं, तो हमने मान लिया एक एक्स है एक वाई है। कह रहा है का योगफल मतलब दोनों का जोड़ -5 है, तो हमने लिख दिया -5, यदि इनमें से एक संख्या -16/7 है, अगर इन दोनों की जगह पे एक -16/7 रख देंगे, चाहे या तो ये होगी -16/7 या ये होगी -16/7, इन दोनों में से कोई एक संख्या -16/7 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो कहीं भी किसी भी एक जगह पे हम लिख देंगे -16/7 प्लस डॉट 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 बराबर -5। तो कोई एक संख्या मान लेंगे, माना कि x दी हुई है -16/7 प्लस ये नहीं बताई है क्या है -5, तो वही क्योंकि हमें ये वाली संख्या ज्ञात करनी है तो ये वाली संख्या इसके साथ में जो दी हुई है बराबर के दूसरी साइड भेज देंगे, तो जो संख्या हमें ज्ञात करनी होती है उसे रोक लेते हैं, तो ये तो बाई लिख ली बराबर, बराबर के दूसरी साइड जो संख्या दी हो पहले उसे लिख लीजिए और फिर जो हमें भेजनी है वो लिख लेंगे, तो हम भेजेंगे -16/7 और ये हो जाएगी यहाँ +16/7, 5/1 मान लेंगे। अब इसको कर लेंगे हल, जब हल करेंगे तो 7 और 1 का एलसीएम आएगा 7, ये आ जाएगा 1 और -5, 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 बार तो 1 7 7 7 बार जाएगा, उस 7 की गुणा करेंगे 5 से तो 7 5 35 हो जाएगा, माइनस का निशान लगेगा, फिर 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 7 आए तो 7 1 7 1 बार जाएगा, प्लस 16 तो गुणा करेंगे तो 16 1 16 हो जाएगा, जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 19/7 और ये रहेगा हमारा माइनस का, ये आ गया हमारा उत्तर। अगला है 6 नंबर, सरल कीजिए। तो ये परिमेय संख्याएं दे रखी हैं 3, इन दोनों को जोड़ना है और इसके बीच में घटाना का निशान लगा हुआ है, तो तीनों संख्याएं हम एक साथ हल करेंगे। तो पहला वाला जब करेंगे, ये आ गई हमारा पहला सवाल, जब हल करेंगे तो सबसे पहले जो काम करेंगे वो है जहां पर चिन्ह मिल रहे हैं ब्रैकेट के अंदर और बाहर उन्हें हल कर लेंगे। तो यहाँ ये प्लस और ये माइनस है और यहाँ ये माइनस और ये माइनस है, तो इसे जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/6 प्लस माइनस माइनस 2/5 और यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2/15। अब जो हमारा नीचे की जो संख्याएं दी हुई हैं उनका ले लेंगे हम एलसीएम, तो यहाँ है 6 5 15, जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ लिखेंगे 6 5 15, ये 3 से जाएगा, 3 2 6 5 5 और 3 5 15, अब ये 2 2 से जाएगा लेकिन 5 नहीं कटेगा 2 से, तो 5 ऐसे ही लिख लेंगे हम, अब 5 5 से जाएगा तो यहाँ लिखेंगे 5 5 1 5 5 1 5, जो हमारा एलसीएम आया वो आया 3 × 2 × 5, गुणा कर लेंगे आपस में सभी संख्याओं की, तो 3 2 6 और 6 5 30, ये आ गया हमारा एलसीएम। अब एलसीएम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे इस तरीके से, हल करेंगे हम, तो पहली परिमेय संख्या हमारी है 1/6, 1/6 में जब जाएंगे तो नीचे की जो संख्या है 6 इसका पहाड़ा पढ़ेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे इतनी बार कि 30 आ जाए, तो 6 5 30 5 बार जाएगा, उस 5 की गुणा किससे हो जाएगी, इसी के ऊपर की संख्या से, तो 5 1 5 हो जाएगा, बीच में माइनस का निशान तो माइनस का निशान लगा देंगे। दूसरी परिमेय संख्या है 2/5, 2/5 में नीचे की संख्या पे जाएंगे 5 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, इतनी बार पढ़ना है कि 30 आ जाए, तो 5 6 30 6 बार आया, उस 6 की इसकी ऊपर की संख्या से गुणा कर देंगे तो 6 2 12, फिर बीच का निशान लगा देंगे प्लस, अब 15 का पहाड़ा पढ़ना है, 15 का पहाड़ा पढ़ना है कि 30 है, तो 15 2 30 2 आया, 2 की गुणा 2 से करेंगे तो 2 2 4, ये हमारा हो गया हल। अब इसे आगे हल करेंगे तो जो प्लस प्लस की संख्याएं हैं उन्हें जोड़ लेंगे, तो ये देखिए प्लस 5 है और प्लस 4 है, तो 5 और 4 होता है 9,
बचा माइनस 12 बटे में लिख देंगे 30। आगे हल करेंगे तो यहाँ है प्लस, यहाँ है माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, 9 में से 12 घटेगा तो कितना आ जाएगा ये 3, और ये बटे में 30, और ये 3 जो आएगा ये आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है और प्लस की यहाँ पे छोटी है, मतलब 9 छोटा है 12 बड़ा है, और 12 के आगे माइनस का निशान लगा हुआ है तो उत्तर जो आएगा वो माइनस में आएगा। जब हल करेंगे आगे तो 3 × 3 = 3.30, तो ये आ जाएगा -1/10, ये हो गया हमारा उत्तर। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें भी वही करेंगे, सबसे पहले जो काम करते हैं वो होता है ब्रैकेट के अंदर बाहर जो निशान दिए हुए हैं पहले उन्हें हल कर लेते हैं। तो ये लिख लेंगे 3/8, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 2/3 ये प्लस माइनस माइनस, 5/36। दूसरे नंबर पे क्या करेंगे, जितने हर हैं उनका एलसीएम ले लेंगे, तो लिखेंगे 8, 3, 36। एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले 2 से काटेंगे तो 2 × 8, 3 नहीं कटेगा, यहाँ जाएंगे 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, फिर से 2 से कट रहा है, 2 × 2 = 4, तो 3 नहीं कटेगा, 2 × 18, फिर से 2 से काटेंगे, 2 × 1 = 2, 3 और 9 ऐसे ही लिख लेंगे। अब 3 से काटेंगे तो 3 × 3 = 3, 3 × 3 = 9, फिर से 3 से कटेगा, 3 × 3 = 3, 3 × 3 = 3। जो एलसीएम आएगा वो जितनी संख्याएं आई हैं सभी गुणनखंड लिख लेंगे और आपस में कर लेंगे इनकी गुणा, और वही हो जाएगा हमारा एलसीएम। तो 2 × 2 = 4, 2 × 8, 8 × 16, 2 × 4 × 8, 8 × 16 = 24, और 24 × 3 हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 24 × 3, 3 × 12, 3 × 6 = 7, 72। तो जो हमारा एलसीएम आया वो आ गया हमारा 72। अब करेंगे परिमेय संख्याओं को हल। तो पहली परिमेय संख्या है हमारी तीन बटे आठ, ये जो बटे में 8 दिया है इसका पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे 72 है, तो 8 × 72 9 बार गया, 9 की गुणा कर देंगे 3 से, तो 9 × 3 = 27, बीच में निशान है प्लस का तो प्लस लगा देंगे। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 72 आए, तो 3 × 2 = 6 और 3 × 2 = 12, 24 बार जाएगा, 24 की गुणा कर देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा हमारा 48, बीच का निशान है माइनस, माइनस लगा देंगे। 36 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 72, 36 × 2 = 72 होगा, और 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार, मतलब 2 की गुणा 5 से कर देंगे, तो 2 × 5 = 10। हल करेंगे तो प्लस प्लस वाली जो संख्याएं हैं उनको जोड़ लेंगे, तो 27 प्लस का है और 48 प्लस का है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 7, 7, 14, 15 + 5 = 1, 4, 5, 6, 1, 7, 75 − 10/72, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 65/72, और ये हो जाएगा हमारा उत्तर। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्नांकित में कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो ये जो सवाल दिए हुए हैं पहला है, उसके बाद ये यहाँ पे दिया हुआ है दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें सभी में पहले तो हल करना है, और हल करने के बाद फिर पता चलेगा हमें कि सत्य है या असत्य है। पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है 2/5 में से -2/5 घटाने पर शेष फल शून्य होता है, पहले इसको हल करना पड़ेगा। तो जो सवाल कह रहा है 2/5, तो सवाल कह रहा है कि 2/5 में से, तो देखिए 2/5 में से -2/5 घटाने पर सवाल बनेगा ये। तो जो हमारा सवाल बनेगा वो है 2/5 में से, ये हो गया 2/5 में से -2/5 क्या करना है, घटाना है, तो शेष फल शून्य आता है। पहले से हल करेंगे, देखेंगे इधर साइड शून्य आएगा या नहीं आएगा, तो ये आ जाएगा 2/5, माइनस माइनस हल करेंगे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2/5 = 0, यहाँ 0 आ रहा है तो इधर भी 0 आना चाहिए। हल करेंगे तो बटे में आएगा 5 और ऊपर की संख्याएं तो जुड़ जाएंगी, जब जुड़ेंगी तो ये आ जाएगा 4/5, तो ये सत्य है या असत्य है, तो ये है हमारा असत्य। अगला है हमारा सेकेंड क्वेश्चन, कह रहा है कि -2/7 दिया हुआ है, -3/7 दिया हुआ है बराबर -3/7 और -2/7, तो ये ऐसे हल कर लिया। आप कह रहे हैं इधर का हल करिए और इधर का हल करिए, देखिए बीच में बराबर लगा हुआ है
तो इधर का हल और इधर का हल दोनों हल बराबर आने चाहिए। अगर दोनों हल समान आते हैं तो मतलब ये सत्य है। जब हल करेंगे तो देखिए दोनों के बटे में तो सेम हर दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 7, यहाँ लिखेंगे माइनस 2 माइनस 3 बराबर, यहाँ भी आएगा 7 माइनस 3 और ये हो जाएगा माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2। जब जोड़ेंगे तो देखिए माइनस माइनस प्लस होगा और 3 2 हो जाएगा 5, निशान माइनस का रहेगा बटे में 7। यहाँ जब हल करेंगे तो ये देखिए माइनस ये प्लस, माइनस प्लस होता है माइनस, तो ये घटेगा, ये आएगा माइनस का 1/7। तो ये सत्य है या असत्य है, तो ये लिखेंगे यहाँ पे असत्य, क्योंकि दोनों तरफ बराबर नहीं आया है। थर्ड है हमारा, ये कह रहा है कि यहाँ ये संख्या को पूरी हल करना है, उसके बाद ये निशान लगा हुआ है, इसका मतलब है कि इधर की संख्या बड़ी है और इधर की संख्या ये छोटी है, तो पहले हल करेंगे तब पता चलेगा इसका जो हल आता है वो छोटा आता है या बड़ा आता है। यहाँ होगा 4 बटे में और ऊपर लिख जाएगा माइनस 3, ये माइनस और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ आ जाएगा 7, ये तो ऐसे ही साथ में चलेगी। जब हल होगा तो ये देखिए 7 में से माइनस 3 घट जाएगा तो ये बचेगा 4/4 और ये आ जाएगा 1/4। जब काटेंगे तो 4 × 4 तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1/4। तो ये सत्य है, सत्य इसलिए है यहाँ 1 बड़ा है 1/4 छोटा है। मतलब देखिए 1 का मतलब होता है एक पूरी रोटी और 1/4 का मतलब होता है पूरी रोटी का चौथाई हिस्सा, ये वाला हिस्सा। तो बड़ा कौन सा हुआ, ये पूरा या फिर ये हिस्सा, तो ये बड़ा हुआ, तो ये सत्य है। क्वेश्चन नंबर 4th है, 4th कह रहा है देखिए ये निशान लगा हुआ है, इसका मतलब है कि जब हम हल करें तो माइनस पांच से इधर वाली संख्या ये बड़ी आनी चाहिए। तो जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा -5, निशान लगा देंगे। अब यहाँ पर जब हल करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा बटे में 7 और ये आएगा ऊपर -12 -8, ये हो जाएगा -5। हल करेंगे तो माइनस माइनस होता है प्लस, और 12 और 8 जब जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 20/7 लेकिन माइनस का। तो कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है, तो जब हम भाग करेंगे तो देखिए ये आएगा -5 और यहाँ पर आ जाएगा 7 का। जब हम भाग करेंगे 20, देखिए भाग करेंगे तो देखिए 7 × 14 बचा 6.0, 7 × 7 = 14, 7 × 7 = 42, 7 × 7 = 49, 7 × 7 = 56। तो ये संख्या जो आएगी हल हो करके हमारी, ये आएगी 2.8 माइनस की। तो ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है, ये हो जाएगा हमारा सत्य। दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है, ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है। क्यों? माइनस की संख्याओं में जो संख्या हमारी छोटी होती है उसको बड़ा मानते हैं और जो संख्या हमारी बड़ी होती है उसको छोटा मानते हैं। तो माइनस का 5 छोटा है और माइनस का 2 हमारा बड़ा होगा, तो ये हो जाएगा सत्य।